धान की फसल के अंदर इस समय जो गोब अवस्था है उसका जो समय है वो बिल्कुल चल रहा है। बहुत सी ऐसी वैरायटी है जो बालियां बाहर निकाल चुकी है, कुछ एक ऐसी वैरायटी है जो बाली निकालने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस समय सबसे ज़्यादा बिकने वाला फर्टिलाइज़र है पोटास। पोटास को फार्मर नीचे मिट्टी में भी देते हैं, MOP म्यूरेट और पोटास जो आती है। कुछ एक ऐसे फार्मर है जो पोटास को NPK की फॉर्म में देते हैं 52:34 है या फिर 0050 है। लेकिन जब भी आप मार्केट के अंदर जाते हो वहाँ पर आपको एक लिक्विड पोटास का जो ऑप्शन है वो भी मिल जाता है। काफ़ी सारे ऐसे फार्मर है जिन्हें लिक्विड पोटास के बारे में जो नॉलेज है वो बिल्कुल भी नहीं है। लिक्विड जो पोटास है, एक्चुअल के अंदर जो पोटास है वो करीबन मेरे हिसाब से 4 से लेकर 5 कंपनी है वो बनाती है। कंपनी का मैं यहाँ पर नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं किसी की ऐड नहीं करना चाहता। जब भी आप मार्केट के अंदर जाओ तो आप देखना कि आपको पोटास के नाम पर जो मोमिलाइजर बैक्टीरिया है या फिर जो सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया है वो ना दे। जैसे कि आप फोटो के अंदर देख रहे हो विभिन्न विभिन्न कंपनियों की जो पोटास है लिक्विड के अंदर जो पोटास बोल देते हैं वो आपको मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया या फिर सोल्यूबलाइजिंग जो बैक्टीरिया है वो दे देते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो पोटास है वो क्या हमारे मिट्टी के लिए या फिर हमारे इस पौधे की जो अवस्था है इसके लिए आवश्यक है या नहीं है। अगर आप मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया वगैरह का यूज़ कर रहे हो, स्प्रे के अंदर कर रहे हो या मिट्टी के अंदर कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं या फिर जो सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया होता है, सोल्यूबलाइज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सोल्यूबलाइज यानी कि घोल कर उसे ऐसी स्थिति के अंदर बना देना जिसे पौधा आसानी से ले लेता है। यानी कि हमारी मिट्टी के अंदर अगर इनसोल्यूबल पोटास है, ऐसी पोटास जो बिल्कुल लॉक है, उसे ये जो बैक्टीरिया है वो अनलॉक करके पौधे को दे देते हैं। अनलॉक पौधे को तभी करके देंगे जब मिट्टी के अंदर पहले हमारी जो पोटास है वो अवेलेबल है। बहुत सारे ऐसे फार्मर हैं जिन्होंने पोटास साल भर अपने खेतों के अंदर यूज़ नहीं किया है या फिर जिन्होंने 6 महीनों के जो पोटास है 10 से लेकर 12 किलोग्राम जो प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ किए, वो जो पोटास है वो आपके मिट्टी के अंदर नहीं है, वो पौधे ने पहले आपने जो फसल लगाई है वो ले ली है। इस फसल के अंदर अगर आपने स्टार्टिंग में धान लगाया है उस समय अगर आपने नीचे पोटास डाली है तो वहाँ पर ये जो हमारा सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया है अगर आप इसे मिट्टी के अंदर देते हो फिर जा करके ये काम कर सकता है। लेकिन अगर आप इसका जो स्प्रे है वो करते हो कि हाँ ये पोटास है हम इसका स्प्रे कर देते हैं, तो ये आपके यहाँ जो रिजल्ट है वो बिल्कुल भी नहीं देगी क्योंकि इसका जो काम है वो वहाँ पर जीरो है। अगर आप मिट्टी के अंदर देते हो फिर ये काम करेगी। काम कब करेगी? जब आपके मिट्टी के अंदर जो पोटास है वो मौजूद है। अगर आपके मिट्टी के अंदर पोटास नहीं है फिर ये जो बैक्टीरिया है वो कोई काम का नहीं है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पोटास के ऊपर ही जीवित रह सकता है। अगर आपकी मिट्टी के अंदर पोटास नहीं है तो ये सर्वाइव भी नहीं करेगा। नंबर दो पर बात आती है फार्मर को रिजल्ट। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो लिक्विड पोटास दे रही है, मतलब कि मोमिलाइजिंग बैक्टीरिया दे रही है पोटास के नाम पर। जब भी आप उसका जो छिड़काव है वो फसल के अंदर करते हो तो फसल हमारी एकदम से हरी भरी हो जाती है। तो फार्मर कहता है कि मेरे यहाँ जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा है, मेरी जो फसल है वो हरी भरी होगी, कच्चापन आ गया। आप सभी को बता दूँ कि जो पोटास है वो कच्चापन नहीं लेके आती कभी भी। पोटास हमारा जो है वो स्टार्च को बढ़ाता है, दाने के अंदर जो हमारा दूध बनता है, धान का जो दाना है उसके अंदर जो दूध बनना होता है उसको बढ़ाता है, उसकी जो क्वालिटी है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आता है, साथ में जो दाने की चमक है वो लेके आता है। अगर आपका पौधा हरा भरा हो जाता है कोई भी लिक्विड अगर पोटास आप डाल रहे हो, इसका मतलब कि उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, ऐसे न्यूट्रेंट हो सकते हैं जो पौधे को हरा करते हैं। हो सकता है कि आपको यूरिया का घोल या DAP का घोल बना करके उस बोतल के अंदर डालकर भी दे दे, ये भी हो सकता है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि अब अगर आप पोटास ले रहे हो तो उसके ऊपर देखो कि लिक्विड पोटास K2O जो है अपना 40% में आता है या अदर कंपनियां काफ़ी परसेंटेज के अंदर देती है, अगर वो मौजूद है तभी ले। अगर उसके ऊपर लिखा हुआ कि पोटास मोबिलाइजर बैक्टीरिया या फिर सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, इसका मतलब कि ये जो पोटास है फिलहाल गोब अवस्था के अंदर आपके किसी भी तरह जो काम है वो नहीं आने वाली, तो अपना जो पैसा है वो बर्बाद ना करें। NPK 52:34 या 0050 का जो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे है, इससे अच्छा वो सबसे बेस्ट रहता है। धन्यवाद।